नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी जिला कलेक्टर झालावाड़ द्वारा जिला प्रशासन के अधीन कार्यरत 35 मंत्रालयिक कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश जारी किए गए। इनमें से 30 मंत्रालयिक कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक तथा 5 मंत्रालयिक कर्मचारियों को सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति किया गया। इसी के अंतर्गत तहसील कार्यालय पचपाड़ में कार्यरत विनीत कुमार जैन व कलीमुल्ला खान को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया, तो वहीं सागर गोचर श्रीराम तथा उपखंड अधिकारी कार्यालय भवानी मंडी से रोहित पाटीदार को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया। पदोन्नति पर राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार जैन द्वारा जिला कलेक्टर आलोक रंजन सहित सहयोग करने वाले समस्त अधिकारी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। उपखंड कार्यालय भवानी मंडी में अध्यक्ष राहुल कुमार मरोत्रा उपखंड अधिकारी द्वारा 3 ग्राम पंचायतों के महात्मा गांधी प्रेरकों के आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत गुराड़िया जो 16, रजम परमरा 2, देवरिया में 7, मांडवी में 5, हथुनिया में 6, सेमली जत्सा में 6, लसूड़िया में 3, कुंडीखेड़ा में 4, सरोद में 12, जसवंतपुरा में 2, रनायरा में 2, बाजपुरा में 3, मोखमपुरा में 2 आवेदन प्राप्त हुए। गुराड़िया जोगा मांडवी सरोद के कुल 70 महात्मा गांधी प्रेरक का इंटरव्यू के लिए लिया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में से एक प्रेरक का चयन किया जाएगा। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा भवानी मंडी ने आज दिनांक 6 सितंबर 2023 को राजकीय कन्या विद्यालय में छात्राओं को जागरूक किया। मीडिया प्रभारी सुधा फ्लैट ने बताया कि मारवाड़ी महिला सम्मेलन के तत्वावधान में भेसोरा मंडी के चिकित्सा कर्मियों द्वारा सामूहिक रूप से छात्राओं को स्तन गर्भाशय कैंसर के बारे में जागरूक किया गया। भेसोरा मेडिकल स्टाफ द्वारा स्तन व गर्भाशय कैंसर के कारण लक्षण और बचाव की जानकारी दी गई, जिससे बालिकाओं में स्वयं परिवार में होने वाले सदस्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो और वो भविष्य में होने वाली भयानक बीमारी से सतर्क रहें, अपने से जुड़े और लोगों को भी सतर्क करें। राजकीय स्नातकोत्तर बिरला महाविद्यालय में NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की जयंती पर नमन कर शिक्षक दिवस के रूप में वृक्षारोपण किया गया। कॉलेज इकाई अध्यक्ष अल्पेश तुल्ला ने बताया कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में महाविद्यालय में संतरे के 10 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर 10 डॉक्टर अशोक कुमार पाटीदार, नेमीचंद मीणा, डॉक्टर वंदना मीणा, डॉक्टर मोनिका मीणा, आयुष गुप्ता, अरविंद कुमार, एकता शर्मा, राजेश मीणा, छात्र प्रतिनिधि सूरज जजावरा, अजहर खान सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। भवानी मंडी के विद्यालय हनी किड्स प्ले स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें सभी बच्चों ने शिक्षकों को उपहार देकर अभिवादन किया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद द्वारा भी विद्यालय के शिक्षिका 2 होनहार बच्चों को प्रमाण पत्र व उपहार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही विद्यालय के सभी शिक्षिकाओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। मेट्रो हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर की ओर से शिक्षक दिवस के अवसर पर रिटायर्ड शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मेट्रो हॉस्पिटल की तरफ से डायरेक्टर डॉक्टर हमीद मंसूरी के पिता हाजी चांद मोहम्मद मंसूरी व हजानी बिस्मिल्ला बी ने लगभग 65 रिटायर्ड शिक्षकों को माला पहनाकर साल व श्रीफल भेंट किया। इस अवसर पर संचालन अब्दुल मलिक खान और राकेश शर्मा ओली ने इस प्रोग्राम को सफल संचालन की ओर से अग्रसर किया। इस अवसर पर डॉक्टर हमीद मंसूरी ने सभी रिटायर्ड टीचर का बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उन्होंने समय निकालकर इस प्रोग्राम की गरिमा बढ़ाई। हॉस्पिटल प्रशासक अमीन मंसूरी व रजाक मंसूरी ने शिक्षकों को सम्मान में अपने विचार प्रकट किए। रिटायर्ड शिक्षकों के सम्मान में यह अभी तक का सबसे बड़ा व ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा है। इस मौके पर सभी रिटायर्ड शिक्षकों ने इस प्रोग्राम को काफ़ी सराहा व अपने पुराने साथियों ने मिलकर अपनी यादें भी भावुक हो गई। चोमेला में मेघ बरसे, बारिश की लंबी खेत से वेंटिलेटर पर चल रही खरीफ के फसलों को मिलेगा जीवनदान। आपको बता दें कि करीब एक माह से बारिश नहीं होने के चलते किसानों के चेहरे व फसलें मुरझा गई थी। आज हल्की बारिश से बर्बादी की कगार पर खड़ी फसलों को बारिश से राहत मिलेगी। चोमेला पूर्व विधायक ने शिव मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन किया। शिव मंदिर के निर्माण हेतु यजमान गिरधारी लाल खमोरा ने बताया कि शिव मंदिर के लिए आज भूमि पूजन पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा की अध्यक्षता में विधि विधान से संपन्न हुआ। भूमि पूजन के दौरान सरपंच प्रतिनिधि अशोक भंडारी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी, नगर उपाध्यक्ष अशोक खमोरा, महेश मनोहर, सत्यनारायण खमोरा गंगदार को नगर कांग्रेस अध्यक्ष अनु शेख सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। झालावाड़ पिछले 10 वर्षों से निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी विभिन्न कार्यों का बूथ लेवल अधिकारी BLO के पद पर रहते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO को जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन द्वारा मिनी सचिवालय के सभागार में
प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान कार्यक्रम के दौरान उपस्थित बीएलओ को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सम्मानित होने वाले सभी बीएलओ द्वारा अपने अपने क्षेत्र में निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यों का अच्छे से निर्वहन किया गया है। उन्होंने कहा कि बीएलओ अपने मूल शिक्षण कार्य के अतिरिक्त बूथ लेवल अधिकारी के पद का कार्य भी कर सके। बोलिया नगर में मंगलवार को रात्रि 8 बजे फूलमाली समाज की बैठक का आयोजन किया गया। फूलमाली समाज धर्मशाला में किया गया बैठक में सर्व समाज के सहमति से नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें अध्यक्ष राधेश्याम अजमेरा, उपाध्यक्ष नंदराम मोरी, अंतिम रावल, कोषाध्यक्ष राजेश गढ़वाल, सचिव धन्नालाल कोटवाल सहित सह सचिव अंतिम गढ़वाल को बनाया गया। मंदसौर शहर के नाह सैयद बाबा दरगाह के तालाब में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद वाईडी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। युवक के शव को पानी से बाहर निकाला गया। प्रथम दृष्टया युवक की शिनाख्त जयपुर निवासी जावेद हुसैन के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जाँच शुरू की। जानकारी अनुसार शहर के नाह सैयद बाबा दरगाह क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब दरगाह के पास तालाब में एक शव होने की जानकारी मिली। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद वाईडी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव को बाहर निकाला गया। कपड़ों से मिले आधार कार्ड के मुताबिक युवक राजस्थान के जयपुर का रहने वाला जावेद हुसैन होना पाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया, वहीं मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी। दसपुर मंडी व्यापारी संघ द्वारा मंदसौर कृषि उपज मंडी कार्यालय के मुख्य द्वार पर बैठकर अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और काली पट्टी बांध का विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे दसपुर मंडी व्यापारियों ने कहा कि विगत लंबे समय से मंडी व्यापारी सरकार को अपनी मांगे बता रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में दान राशि की गणना दूसरे दिन भी बुधवार को भी जारी रही। पहले दिन की गणना में 7,99,050 रुपये की दान राशि प्राप्त हुई थी, तो वहीं अगले दिन बुधवार को फिर दान राशि करना शुरू हो गई। बता दें कि पवित्र सावन माह के बीच खोले गए दान पात्र के बाद अब एक माह बाद फिर मंदिर परिसर के दान पात्र खोले गए और दान राशि की गणना शुरू की गई। मंदिर प्रबंध समिति सहित अन्य लोगों द्वारा राशि की गणना की जा रही है। दान पात्र से दान राशि की गणना मंगलवार को प्रारंभ हुई थी, जो कि आज बुधवार को भी जारी रही। मंदिर प्रबंध समिति अनुसार दान राशि का आंकड़ा करीब 20 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। प्रवेश प्रारंभ। संस्कार भारती निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक दोनों ही हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में, कक्षा 11वीं में विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय के साथ शहर के मध्य में शिक्षा की बेहतर सुविधा। बोर्ड परीक्षा परिणाम 100%। गत 21 वर्षों से संचालित अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन एवं शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण एवं सुरक्षित परिसर। आज ही संपर्क करें संस्कार भारती निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय, उषा कॉलोनी, भवानी मंडी। प्रधानाचार्य उमाशंकर शर्मा, मोबाइल नंबर हैं जिनके 9784883535। अब जमाना नॉर्मल एजुकेशन का नहीं, स्किल बेस्ड एजुकेशन का है। ब्राइट फेडर पब्लिक स्कूल, स्कूल बस फैसिलिटी अवेलेबल, नर्सरी टू 8th क्लास इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, लिंक रोड रामनगर, पुलिया टू बायपास, शांति श्री कॉलोनी, भवानी मंडी। मोबाइल नंबर 9033586728, 9079167225। फॉर इन क्वालिटी हेड ऑफिस, ब्राइट फेडर अकेडमी, रामनगर, भवानी मंडी।